अमृता है, मैं जो लीड है विक्रम उनकी वाइफ बनती हूँ। सो बेसिकली ही इज़ एन आईबी एजेंट, तो मैं भी उनके साथ आईबी एजेंट रह चुकी थी। सो यू नो द थिंग इज़ कोई रिलेटिव किडनैप हो जाता है, सो आई मेक अ प्लान, आई गो फॉरवर्ड विद इट। सो द स्टोरी फॉलोज कि जिसने किडनैप किया है वो कौन है, हु इज़ द गाय, वाई इज़ इन ही कमिंग फॉरवर्ड, तो उस बारे में है ये। और मूवी ओवरऑल बहुत एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, रोमांस ऑब्वियसली है। और फेडरिक कौन है तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा मूवी। प्रशांत जी के साथ काम करके कैसा लगा? प्रशांत जी के साथ ऐसे मेरा काम है नहीं, बट देन अगेन व्हेन ही वाज ऑन सेट्स तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो गया था। ही इज़ वेरी हिलेरियस, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एटमोसफियर कर देते हैं। सो अगेन या उनके साथ काम करके अच्छा लगा, ऑल्दो मेरा उनके साथ स्क्रीन शेयर नहीं है। पोस्टर को देखे तो ऐसा लगता है कि सीआईडी की टीम है, कोई इन्वेस्टिगेशन टीम है। हाँ, कौन सी मूवी में देखे? पोस्टर को अगर देखे तो कैसा कहे, क्या कहेंगे? इन अ वे हाँ वैसा ही लगेगा, क्योंकि आईबी एजेंट्स है, जो कैरेक्टर्स है वो आईबी एजेंट्स है, तो सीआईडी ऐसा इंप्रेशन तो आपको आ ही रहा होगा बिकॉज इन्वेस्टिगेशन है उसमें, तो इसीलिए वैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और कौन कौन है इसमें आर्टिस्ट में, नाम बताएंगे? और कौन कौन है? हाँ, आर्टिस्ट में प्रशांत जी हैं, आप और मैं हूँ, अविनाश है, प्रशांत जी है, बस हम ही हैं। क्या इस तरह की मूवी की मार्केट है आजकल, बिल्कुल लीड से हटके है? क्यों नहीं है, बहुत डिफरेंट स्टोरी है और एक्शन थ्रिलर तो किसी को भी पसंद आता है, तो हाँ मार्केट तो क्यों नहीं, इनफैक्ट लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आएगी। एक लाइन में स्टोरी क्या है, एक लाइन में बता? एक लाइन में स्टोरी ये है कि फेडरिक कौन है, ये तो फिल्म देखने के बाद वाला, लेकिन हाँ, क्या एक स्टोरी एक अनवील करना? स्टोरी ये है कि ये जो फेडरिक कैरेक्टर है ये सामने नहीं आता है, तो बेसिकली इसको ढूंढ रहे हैं, इसके सर्च में लोग लगे पड़े हैं कि कौन है फेडरिक, क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट, व्हाई इज ही डूइंग दिस थिंग्स। सो हाँ, ये एक लाइनर मूवी है, आपको एक लाइन में यही समझा पाऊंगी मैं। थैंक यू सो मच। एक मिनट